दोस्तों, जवान फिल्म के ऊपर विद्या बालन का शानदार रिएक्शन सामने आ रहा है। विद्या बालन जवान फिल्म को देखने के बाद कहती हैं कि शाहरुख खान की आज से पहले ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी, और इस मूवी के अंदर जो राजनैतिक संदेश दिया गया है उसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए, और ऐसी मूवी बननी चाहिए जिससे कि हमारे यंग जनरेशन को अच्छा मैसेज जाए। विद्या बालन शाहरुख खान के बारे में बोलती हैं कि शाहरुख खान जैसा कोई एक्टर नहीं है, और शाहरुख खान हमेशा बॉलीवुड के बादशाह रहेंगे, क्योंकि उनकी मूवीज में वो दम होता है कि बॉक्स ऑफिस को हिला दे, और बॉलीवुड को जिंदा करने में शाहरुख खान का बड़ा हाथ है। दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी जवान ने हर किसी को दीवाना बना दिया है, और इस मूवी का क्रेज कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस मूवी के एडवांस बुकिंग के कलेक्शन के अंदर भी तेजी देखी जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जवान ने 12 दिनों में 883 करोड़ का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस को झंझोड़ के रख दिया है, और वहीं अगर हम ओवरसीज के बारे में बात करें तो इस मूवी ने ओवरसीज के अंदर भी तबाही मचा दी है, और इस मूवी ने ओवरसीज से 13 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स कमा के बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऐतिहासिक सुनामी का मंजर दिखा दिया है। पठान के बाद शाहरुख खान दूसरी ऐसी मूवी देने वाले हैं जो कि 1000 करोड़ करने के लिए तैयार हैं, और शाहरुख खान ने इस बात को साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में अगर कोई सबसे बड़ा एक्टर है तो वो है शाहरुख खान, और उनकी मूवीज की कलेक्शन को बीट करना हर किसी के बस की बात नहीं रही। शाहरुख खान ने वो करके दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि शाहरुख खान खुद अपने रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर उनको खुद ही तोड़ देते हैं। शाहरुख खान की इस कलेक्शन को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में लाद भी लिखेगा, और विद्या बालन की बात से आप कितना सहमत है ये भी बताएगा। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हैं तो FFU को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर आपको शाहरुख खान और उनकी आने वाली हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहेगी। आपको पता लगता रहेगा कि शाहरुख खान कौन सी बड़ी तबाही मचा रहे हैं। धन्यवाद।